ग्रामीण विकास पंचायती राज पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत गुग्गर में 70 लाख की लागत से बनने वाले ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्र का शिलान्यास और 14 लाख से निर्मित ग्राम पंचायत आईमा की नव निर्मित भवन का लोकार्पण किया। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत गुग्गर में 70 लाख की लागत से बनने वाले ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्र का शिलान्यास किया और 14 लाख से निर्मित ग्राम पंचायत आईमा के नवनिर्मित भवन का भी लोकार्पण किया। कार्यक्रम में पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल, पूर्व मंत्री रविंद्र रवि, पूर्व विधायक दुलो राम और प्रवीण शर्मा तथा उपायुक्त कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आईमा और गुग्गर पंचायतों के सभी सदस्यों को कचरा संयंत्र और मॉडल पंचायत भवन की बधाई दी। उन्होंने कहा कि कचरा निषिद्धान मौजूदा समय में सबसे बड़ी समस्या है और प्रदेश की पंचायतों को स्वच्छ व सुंदर रखने के लिए आईमा पंचायत के स्वच्छता मॉडल को पूरे प्रदेश में आरम्भ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर 2019 तक प्रदेश की 500 पंचायतों में कचरे के निष्दान के लिए क्लस्टर बनाकर कार्य किया जाएगा और 2020 तक प्रदेश की 1000 पंचायतों में ऐसे संयंत्र स्थापित करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश को देश में जीरो वेस्ट राज्य के रूप में स्थापित करना हिमाचल सरकार की प्राथमिकता है। कंवर ने कहा कि पंचायतों को और अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है और आने वाले समय में पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित कर अधिक न्यायिक शक्तियां भी दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को सूची से बाहर करने का कोई आदेश नहीं दिया है, लेकिन वर्षों से लगभग 2,82,000 लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। उन्होंने बताया कि गरीबी रेखा से नीचे आने वाले नियमों की समीक्षा की गई है और चयन के पैरामीटर भी तय किए गए हैं। लेकिन अब हमने ये तय किया है कि हम 2 अक्टूबर तक आते आते हम अगले 500 पंचायतों के अंदर क्लस्टर बना करके जो है वो हम इस मॉडल को जो है वो चलाएंगे और 2020 तक आते आते हम 1000 पंचायतें जो है वो प्रदेश की जो है वो हम इसे कचरे को जो है वो हम उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे। जैसे हमने ओडिया में हिमाचल प्रदेश को पहला राज्य बनाया है, वैसे ही हम इस सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट को जो है वो हम जीरो वेस्ट में बदलने के लिए हिमाचल को जो है वो इस देश के अंदर पहला राज्य बनाएंगे। ये हमने जो है नाम बहुत सारी योजनाएं विभाग की जो है वो शुरू की गई। माननीय विधायक जी कह रहे थे कि जबरदस्ती जो है वो बीपीएल से जो है वो कई लोगों को निकाला। मैंने पहले भी मीडिया वाले उससे पूछ रहे थे, हमने कोई आदेश जो है वो जारी नहीं किया है कि हम बीपीएल मुक्त प्रदेश बनाएंगे। और ये देश का दुर्भाग्य रहा कि जब ये देश आजाद हुआ था तो इस देश की आबादी 30 करोड़ थी और आज पूरे देश के अंदर जो है वो 30 करोड़ से ज्यादा जो है वो गरीब। हम गरीबी की बातें जो है चुनावों के दिनों में करते हैं, हमने कहा हम उसकी समीक्षा करेंगे, हमने उसके पैरामीटर्स चेंज किए, हम उसको कैबिनेट में लेकर के आए कि जो गरीब है उसको जो है वो कम से कम 20 दिन मनरेगा में दिहाड़ी लगानी पड़ेगी। अगर वो दिहाड़ी नहीं लगाते तो वो गरीब नहीं है, उसको लगानी पड़ेगी। लेकिन हमने साथ में